शाहिद कपूर एंड कृति सेनन की तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया मूवी रिलीज हो गई है और जैसा कि मैंने सोचा था मजा आया स्पेशली लास्ट में जब वो धक धक करने लगा। मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आर्यन और उसकी मासी दोनों ही रोबोटिक इंजीनियर रहते हैं, तो एक दिन मासी कॉल करके बोलती है आ जाओ अमेरिका, दोनों साथ में मिलकर के काम करेंगे, एंड वहां बुला करके उसके ऊपर छोड़ देती है अपनी खुद की बनाई हुई रोबोट, जिसको प्रोग्राम इस तरह से किया गया था कि आर्यन को अपनी प्यारी प्यारी बातों में उलझा ले, एंड अगर बात उससे भी ना बने तो। और ठीक ऐसा ही होता भी है, आर्यन उसकी प्यारी प्यारी बातों में आकर के उससे प्यार कर बैठता है, उससे अटैच हो जाता है, एंड नेक्स्ट डे उसको पता चलता है ये तो रोबोट है। एक बात समझ नहीं आ रही है, रात को शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ क्या? खैर इसके आगे तो तुमको पता ही है, आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। आर्यन को करनी है उस रोबोट से शादी, एंड इन सब के बीच में दिखाई गई है बहुत सारी कॉमेडी जो कि एक्चुअल में काफी ज्यादा फनी भी है। जो मूवी के जोक्स है वो अच्छे से लैंड करते हैं, उन पर आपको हंसी भी आती है। सिचुएशंस कई बार ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं जहां पर आप खुद को हंसने से रोक ही नहीं पाते हो। एंड भाई साहब मूवी का बेस्ट सीन है क्लाइमेक्स से 10-15 मिनट पहले वाला। वैसे तो पूरी मूवी में तुम्हारे फेस पर एक नेचुरली स्माइल बनी रहती है, पूरी मूवी में तुम थोड़ा बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हो, लेकिन इस सीन में भाई मूवी मजबूर कर देती है तुमको दिल खोल करके हंसने के लिए। मूवी के क्लाइमेक्स से भी मेरी थोड़ी सी कंप्लेन है, मूवी बिल्कुल सही अपने नॉर्मल फ्लो में चल रही होती है एंड ऑल ऑफ अ सडन कट, खत्म, मूवी खत्म हो जाती है, तुमको पता भी नहीं चलता है। मतलब एक जो होता है ना लास्ट में जो चीज़ें दिखाई गई हैं, आपको जो इमोशंस फील कराने की कोशिश किए गए हैं, वो सारी चीज़ें आप बहुत ही अच्छे से समझ जाते हो, उनको देख करके मज़ा आ रहा होता है, बट एट द सेम टाइम वो इमोशंस जो आपको फील होना चाहिए ना वो फील हो ही नहीं पाता है। ऐसा लगता है कि मूवी चल रही है बीच में बंद कर दिया मूवी ऐसा। खैर इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है तो लेट्स सी उसमें क्या होता है। बात अगर एक्टिंग और परफॉर्मेंस की करें तो शाहिद कपूर अपने इस रोल में बहुत ही अच्छे से जचते हैं, एकदम चिल टाइप का पर्सन, कूल काम, जो मजे मजे में सबके मजे लेता है, उस टाइप के इंसान है वो, और इस रोल में वो काफी अच्छे दिखाई भी देते हैं। लेकिन अगर बात करें कृति सेनन की तो भाई उनकी एक्टिंग यहाँ पर नोटिस करने लायक थी, उन्होंने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। एक रियल पर्सन और एक रोबोट के बीच का जो बैलेंस बनाया है उन्होंने वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। बात करने का तरीका, एक्सप्रेशन, हाव भाव, ये सीन सबको उन्होंने बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट किया है एंड देख करके स्क्रीन पर उनको मजा आता है, एंड कई बार तो ऐसा लगता है ओ गॉड एक बार दिला दे। शाहिद और कृति के बीच की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है वो भी काफी मजेदार है। सिफरा जब बाकी लोगों के पास रहती है तो उनसे बात करने का तरीका अलग होता है, और जैसे ही वो शाहिद के पास आती है थोड़े प्यार से, थोड़े नाजुकता से, मासूमियत के साथ बात करती है, एंड भाई यहाँ दिल आ गया मेरा सिफरा पर, इंसानों से कटवा कटवा के मन भर गया, अब मैं रोबोट से कटवाएगा। खैर जाने दो, ओवरऑल बात ये है कि मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तुमको एक बार तो डेफिनेटली देखना ही चाहिए। अपने दोस्तों के साथ जा सकते हो, काफी ज्यादा एंजॉय करोगे, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी जा सकते हो, ऐसे कोई वल्गैरिटी नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत किस सीन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे, तो देख लो तुमको क्या करना है। तो बस ये रहता है इस वीडियो में, मिलते हैं जल्दी को नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।